टीवी शो उड़ान और साल 2018 में आई फिल्म होटल मिलन से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा को हर कोई जानता ही होगा, हालांकि उनके साथ जो हुआ उस बारे में शायद ही किसी को मालूम हो। मालवी को अपने करियर में एक और ऐसे फिल्म मेकर का सामना करना पड़ा जो उनकी जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। अब सालों बाद उन्हें इंसाफ मिला है। मालवी मल्होत्रा के साथ ये घटना 4 साल पहले 2020 में हुई थी और अब जाकर उनको इंसाफ मिला है। हाल ही में कोर्ट ने एक्ट्रेस पर चाकू से हमला करने वाले प्रोड्यूसर को 3 साल की सजा सुनाई है। दरअसल प्रोड्यूसर योगेश महिपाल सिंह मालवी को स्टॉक किया करते थे। एक प्रोफेशनल मुलाकात के बाद योगेश ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मालवी ने मना कर दिया, जिसके बाद वो लगातार उन्हें मैसेज भेजता रहा और स्टॉक करता रहा। जब मालवी ने शिकायत करने की धमकी दी तो गुस्से में आकर उसने उन पर चाकू से 3 बार हमला कर दिया। इस मामले में मालवी के पेट पर 1.5 इंच का गहरा घाव हो गया था। वो इस हादसे में बाल बाल बची थी। इस मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने योगेश को दोषी ठहराया। सालों बाद मिले इंसाफ और कोर्ट के इस फैसले से मालवी काफी खुश हैं, जिसकी खुशी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर जाहिर की है। हालांकि मालवी को न्याय मिलने में 4 साल का लंबा समय लग गया। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में मालवी ने बताया कि इस हादसे में उन पर काफी बुरा असर डाला था। वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। वो कहती हैं, फिजिकल चोटों से ज्यादा मैं दिमागी दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे हर वक्त लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, खासकर मेरे पिता ने। उन्होंने कहा ये चोटें भर जाएंगी, लेकिन मैं डर के साथ नहीं जी सकती। उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने में मदद की। उन्होंने कहा वो करो जो तुम्हें खुशी देता है। मालवी ने बताया कि योगेश असल में उनके चेहरे पर हमला करना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने अपना चेहरा बचाने के लिए अपना दायां हाथ आगे किया तो उसने चाकू से उनके हाथ पर वार कर दिया। वो कहती हैं, मैं अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि एक एक्टर के लिए चेहरे पर चोट लगना बड़ी मुश्किल हो सकती है। उस समय भगवान ने मेरी मदद की। ऐसे हालात में इंसान की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि मैं सतर्क रही और खुद को सही तरीके से बचा पाई। बता दें, मालवी ने टीवी सीरियल उड़ान से डेब्यू किया था। वो तेलुगु, हिंदी, मलयालम और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।